अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि सबको बहुत पसंद आती है और सब बहुत शौक से भी खाते हैं, जो कि है टमाटर की चटनी। तो बहुत आसान रेसिपी है, तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसको हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और उसके अंदर हम एक बिग स्पून, एक बड़ा चम्मच ऑयल का डालेंगे। फिर उसके बाद आप इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की प्याज डालेंगे और इसको फिर आप 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। फिर इसके अंदर आप लोग डालेंगे 1 चम्मच जीरे का। फिर इसके अंदर आप लोग कटे हुए 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 2 चम्मच हरे धनिए के डालें। फिर इसके अंदर आप लोग 1 छोटा चम्मच नमक का और पिसी हुई लाल मिर्च का डालें। फिर आप लोग इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको ढककर रख दें। फिर 10 के 15 मिनट बाद आप लोग इसको खोल के चेक करें। अगर आपके टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं तो इसका मतलब आपकी टमाटर की चटनी जो है वो रेडी हो गई है और आप अपना चूल्हा बंद कर दें। तो देखिए, हमारी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी तैयार हो गई है और आप लोग इसको रोटी के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप चावलों के साथ खाएंगे तो ये और भी मज़े की लगेगी। तो बस आप लोग ये बनाएं, खाएं और आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।